हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस लेक्चर इज सेकेंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज़ पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, जरा एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या है, एक्स टू द पावर एन, ये अमंग ऑल दीज 11 फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यू शुड रिमेंबर एंड प्रैक्टिस दिस फार्मूला। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या करना है, एन को यहाँ पे पहले लिखो, मल्टीप्लाई करो और एक्स की पावर में इस एन में से एक कम कर दो। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका। नेक्स्ट के, वॉट इज के, के इज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ठीक है, ये भी तुम्हारा एक तरह से एक्स पावर एन का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा बाकी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज़ रिफर दैट लेक्चर, और उस लेक्चर का लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स यानी कि सेम फंक्शन रहता है। लेन नेक्स्ट एल एन एक्स, एल एन मीन्स नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे लॉग में बेस ई होता है तो हम इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं और इसको एल एन एक्स भी लिखा जाता है। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वन बाई एक्स। ठीक, साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी जरा हम ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे इनकी बात कर लेते हैं, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉस एक एक्स का माइनस कॉस एक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, ई टू द पावर एक्स में क्या हुआ था, ई टू द पावर एक्स हुआ था, ए टू द पावर में एक्स में ए टू द पावर एक्स सेम, एंड एक हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं एल एन ए। ठीक है, लॉग ए बेस ई है तो इसलिए मैं इसको एल एन ए बोल रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैं नेक्स्ट पेज पर तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस फॉर्मूले में अभी मैंने जैसे बताया कि तुम्हें एन को पहले एज इट इज रखना है और यहाँ पावर में एक वन लेस कर देना है। ठीक है, वन अगर देखें, वन क्या है, वन को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो, यानी कि एन की वैल्यू हो गई जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा कॉन्स्टेंट अगर हम ले लें कोई भी, तो उस कॉन्स्टेंट का क्या करोगे, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स अगर कॉन्स्टेंट और फंक्शन कोई हो तो क्या होता है, के बाहर चला जाता है और फिर जो अंदर फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट के है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लूँगा और डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर क्या रह गया, अगर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया तो अंदर वन रह गया और वन का डिफरेंशिएशन अभी अभी देखा है कि जीरो होता है, तो जीरो इंटू दैट कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। ठीक, नेक्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो जल्दी से, पावर एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वन, तो यहाँ पे वन रखा और यहाँ पे क्या हो गया, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो वन इंटू एक्स पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, तो टू हमने एज इट इज रखा और एक्स की पावर में टू में से माइनस वन कर दिया तो क्या हो गया, टू इंटू एक्स हो गया। ठीक है, वन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रूट एक्स, रूट एक्स क्या होता है, एक्स पावर हाफ, हाफ को क्या लिखा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले लिया और उसके बाद एक्स की पावर में हाफ माइनस वन यानी माइनस हाफ हो गया, और एक्स पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हो, इसको वन बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स पावर माइनस हाफ को हम रूट एक्स ही लिख देते हैं यहाँ पे, तो वन बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, तो हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं, वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो सामने, मैं यहाँ पर एक्स अभी आता हूँ, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स क्या होगा, तो वन बाई एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर माइनस वन। ठीक, माइनस वन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स टू द पावर माइनस वन में माइनस वन कर दोगे तो ये एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स पावर माइनस टू मीन्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको ईजिएस्ट वे में लिख देते हैं, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, हम लोगों ने अभी इधर के एक्स को नहीं देखा, तो के एक्स में क्या होगा, तो यहाँ देखो मैं किसका यूज करूँगा, अभी मैं इधर जो x का किया था वन उसी का यूज करूंगा कि k हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन वन, तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू k इंटू वन, दैट इज k। ठीक है, तो ये तुम लोगों को बिल्कुल ओरली करना आना चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ x वन है तो के एक्स का k हो गया। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा इसमें मान लो कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स लिखूं तो आंसर क्या होगा, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन वन, थ्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ओरली लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में पावर थ्री इंटू एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन टू, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या है, क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स में क्या होगा,
दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 बाई थ्री। तो इसको कैसे करोगे, 1 बाई थ्री तो पहले मल्टीप्लीकेशन में ले लो, फिर x की पावर में 1 बाई थ्री माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर माइनस 2 बाई थ्री हो गया। इसको तुम 1 बाई थ्री और पावर माइनस में, तो उसको प्लस में नीचे ले जाके लिख देते हैं, x पावर 2 बाई थ्री लिख दिया। अच्छा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 2। इसको क्या करें, माइनस 2 बाहर ले लें, इंटू एक्स पावर माइनस 2 माइनस 1, क्या हो गया, माइनस 3 हो गया, ठीक है। x टू पावर माइनस 3 लिख दो इसको, तो दैट इज माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें से देखो, तुम्हें ये नीचे वाले जो हैं ये इनको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो तुम उस समय ऑन द स्पॉट फॉर्मूले में अप्लाई कर लोगे, ठीक है, बट ये फटाफट होने चाहिए, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैं, दिस शुड बी विद इन वन सेकेंड, ठीक। रूट एक्स का भी याद रख लो तो काम आएगा, वन बाई एक्स का भी याद कर लो काम आएगा, ठीक है। बट ये वाला क्यूबिक रूट और वन बाई एक्स स्क्वायर रटने से अच्छा है कि उस मोमेंट पे फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो जब पूछा जाए तब, ठीक है। तो अब हम आते हैं, अच्छा एक बार रिवीजन में हम लोग जब कर ही रहे हैं तो फिर जरा सारा देख लिया जाए। प्रोडक्ट रूल तुम्हें याद है, ये मेरे मैं पिछले लेक्चर का ही सारा वीडियो ये दिखा रहा हूँ स्लाइड्स। तो प्रोडक्ट रूल में एफ वन इंटू एफ टू, तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। यहां हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट नहीं किया था, यहां फर्स्ट को कर रहे हैं, यहां सेकंड को किया था तो अब सेकंड को नहीं कर रहे, अल्टरनेटली करना है। और बिकॉज यहां साइन प्लस का है, यानी कि हम ऑर्डर रिवर्स भी कर दे तो भी चलेगा, यानी इस टर्म को अगर हम पहले लिख दें और इस टर्म को सेकेंड टर्म को अगर बाद में भी लिख दें तो इट विल बी ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, हमने कोशेंट रूल किया था जिसमें कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शंस है, एफ ऊपर है जी नीचे है, तो क्या करना था, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना था, फिर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर दो ऊपर एज इट इज, और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो माइनस, अब ऑर्डर रिवर्स कर दो, जी का डिफरेंशिएशन यहां नहीं हुआ है तो जी का डिफरेंशिएशन कर दिया और न्यूमरेटर का नहीं किया एज इट इज, ठीक है। तो ये कोशेंट रूल हो गया। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के टॉपिक पर, आज हम लोगों को लेक्चर में करना है चैन रूल। नाउ व्हाट इज चैन रूल एंड व्हाई डू वी नीड चैन रूल, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तुमने अभी तक डिफरेंशिएशन देखा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का देखा 2x होता है, और तुमने साइन एक्स का देखा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। अब मैं तुमसे कहूँ बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों चीज डिफरेंट है, समझ में आ रही है। साइन स्क्वायर एक्स में क्या कर रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि तुम साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर रहे हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि साइन के अंदर तुमने एक्स इंटू एक्स कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन अभी तक हमने जो किया है उसमें हमें नहीं पता कैसे करना है, तो इसी के लिए चैन रूल यूज होता है, ठीक है। चैन रूल में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, साइन, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर विच इज अनदर फंक्शन, एक्स स्क्वायर खुद एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि सबसे अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स पर डायरेक्टली कौन लग रहा है, एक्स पर डायरेक्टली स्क्वायर लग रहा है, और साइन उस एक्स स्क्वायर पर लग रहा है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है, साइन, इनर मोस्ट कौन है, स्क्वायर फंक्शन। यहां पे क्या हो गया, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, तो हम अगर एक्स को पुट कर रहे हैं तो एक्स पे पहले साइन लगाओगे या पहले स्क्वायर करोगे, तो यहां पर हम एक्स का पर पहले साइन करेंगे, और ठीक है पहले हमने मान लो एक्स की वैल्यू है पाई बाई थ्री 60 डिग्री, तो साइन 60 रूट थ्री बाई टू लिखोगे, उसके बाद जो साइन एक्स की वैल्यू आई उस पर तुम स्क्वायर फंक्शन लगाओगे, यानी आउटर मोस्ट कौन है, स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है चैन रूल के लिए कि आउटर मोस्ट कौन है, अंदर उसके अंदर कौन है, ठीक है। चलो आगे भी समझ में आ जाएगा जब मैं और एग्जांपल लूंगा। यहां बताओ यहां पर आउटर मोस्ट कौन सा फंक्शन है, साइन ई टू द पावर एक्स में सबसे पहले है साइन, ठीक है, उसके अंदर कौन है, ई टू द पावर एक्स। अगर तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करो, तुम रिवर्स ऑर्डर में चलो कि एक्स अगर हम वैल्यू पुट करें तो पहले तुम x में x का यूज e टू द पावर x में करोगे या साइन x करोगे, तो यहां तो ऑब्वियस आंसर है कि e टू द पावर x पहले करना है, तो इनर मोस्ट हो गया e टू द पावर x, आउटर मोस्ट हो गया साइन। अगला देखो यहां पे इनर मोस्ट क्या है, e टू द पावर x, उसके ऊपर लगा हुआ है साइन, यानी e टू द पावर x की जो वैल्यू आएगी उसको तुम साइन के अंदर पुट करोगे, और जो साइन e टू द पावर x की वैल्यू आएगी उसको लॉग के अंदर पुट करोगे। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। लॉग साइन e टू द पावर x स्क्वायर, यहां देखो कितने लेवल का फंक्शन है कंपोजिट, एक
log हो गया, दूसरा sin हो गया, फिर e exponential हो गया, और उसके last में x square हो गया. इनर मोस्ट x square है, आउटर मोस्ट log है. ठीक है, फोर लेवल ऑफ यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है. नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स स्क्वायर हम देख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज चेन रूल. चेन रूल में देखो, अगर सपोज हम इस तरह से लिखें कि लेट y इज इक्वल्स टू y एज ए फंक्शन ऑफ u. y किसका फंक्शन है? u का. अच्छा, अब ये जो u है, u किसका फंक्शन है? v का. v वेरिएबल है, ठीक है, u वेरिएबल है. ठीक, y हमारा आउटर मोस्ट फंक्शन है, वो किसका पर डिपेंड कर रहा है? u पर डिपेंड कर रहा है. u फिर किस पर डिपेंड कर रहा है? u v पर डिपेंड कर रहा है. v किस पर डिपेंड कर रहा है? t पर डिपेंड कर रहा है. लास्ट में t किस पे कर रहा है? x पर कर रहा है. ठीक है, हमें क्या करना है? हमें dy by dx चाहिए, dy by dx चाहिए. ये काम हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इतने सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इतने सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो चैन रूल लगता है. चैन रूल क्या कहता है? dy by dx चाहिए, नो प्रॉब्लम. x के रेस्पेक्ट में भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y किसका फंक्शन है? u का है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि y, सपोज y एज ए फंक्शन ऑफ u, मैं एक एग्जांपल दे दूं कि sin u है, तो क्या तुम dy by dx लिख सकते हो? क्या sin u अपॉन d by dx ऑफ sin u में तुम कोई फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते. लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर d by du sin u होता, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. d by dx ऑफ sin x का जो फॉर्मूला है, वही यहाँ पर cos sin पर लग जाएगा, और क्या आएगा? cos u आएगा. ठीक है, बस x की जगह u फंक्शन है. ठीक है, x की जगह पे u वेरिएबल है, तो यहाँ पर u ये है, और डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू u है, तो sin का डिफरेंशियल cos u हो गया. सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब देखो, मैं sin u को u के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, बट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने, मुझे करना तो x के रेस्पेक्ट में है, तो चैन रूल ने मुझे हेल्प करी. क्या कहा? कि y को पहले तुम y के अंदर जो जो वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया. ठीक है, sin u का फंक्शन है, तो हम u के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो y को हमने u के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो कर दिया. लेकिन अभी रुके नहीं, अब हम गए इस u पर. इस u को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में? u किसका फंक्शन है? v का फंक्शन है, तो इसको हमने v के रेस्पेक्ट में कर दिया. ये हम लोग कर सकते हैं. लेकिन चैन रूल कहता है अभी रुको नहीं, अभी v बचा हुआ है. v किसका फंक्शन है? t का, तो v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. ठीक, और फिर t किसका फंक्शन है? x का फंक्शन, तो t को x के रेस्पेक्ट में करो. ठीक है, यहां जाके हम रुक जाएंगे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनली हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, वो यहां पर एंड में आ गया, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द चैन रूल. इसको तुम और भी लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें साइन किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर का, विच इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैंने वाई आउटर मोस्ट को तो ले लिया, वाई इक्वल टू साइन यू, साइन u, और u कौन हो गया? x स्क्वायर हो गया. अगर मैं u की वैल्यू यहां डाल दूं, तो मुझे ओरिजिनल y मिल जाएगा, sin x स्क्वायर. ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे अज्यूम किया है आउटर मोस्ट फंक्शन को. sin को मैंने ले लिया y, और उसके अंदर जो x स्क्वायर है उसको ले लिया u. ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चैन रूल. तो d by dx ऑफ sin x स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया है? साइन यू लिख दिया है, और चैन रूल लगा दिया. तो बिकॉज ये साइन यू का फंक्शन है, तो यू के रेस्पेक्ट में किया, और फिर इस यू को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है, साइन यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में आ गया कॉस यू, एंड यू का डिफरेंशिएशन, नाउ व्हाट इज यू? यू इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डाल दो यू की जगह पर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो सबको पता ही है भाई, टू एक्स होता है. ठीक, तो मैंने यहाँ पे d by dx of x square 2x लिख दिया. अच्छा, अब ये हमारा आंसर आ गया. लेकिन हम लोग क्या होता है, जब सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो पहले हम एल्जेब्रिक लिख देते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिखते हैं. या फिर अगर तुमने ये ब्रैकेट लगा दिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटू और लगा दो, बिकॉज 2x के साथ इंटू हो रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, इस चैन रूल को, ये जो मैंने बताया, इसके अलावा एक और तरह से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऑल्टरनेटली चैन रूल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है. ठीक है, ऐसे किसी भी लेवल तक जा सकता है, मैंने 3 लेवल्स तक लिया है.
तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या लिख सकते हो, पहले एफ को डिफरेंशिएट करो। एफ को डिफरेंशिएट करो तो उसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो यहाँ पर था उसको आंख बंद करके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, एफ को डिफरेंशिएट किया, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा समझ में आएगा, मैं इसी को ही फॉलो करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो एफ को डिफरेंशिएट किया, अंदर वाली चीज़ एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी। फिर हम अगले नंबर पर जी पर आए, जी को डिफरेंशिएट किया, उसके अंदर जो था उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर एच पर आ गए, एच को डिफरेंशिएट किया, और लास्ट में एक्स को, जहाँ पर लास्ट में हमें एक्स मिले उसके बाद रुक जाना है। ठीक है, अभी देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आउटर मोस्ट में यहाँ पे कौन है, साइन, पहचानना बहुत जरूरी है आउटर मोस्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो कॉस होता है, और कॉस के अंदर क्या करना है, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे बताया f के अंदर जो चीज़ है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करी थी, तो साइन के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कौन है अंदर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, 2x पहले लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया समझ में। ठीक, चलो अब और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और ये याद रखना कि आउटर मोस्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और आउटर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें, ये जो हमने अभी लिस्ट देखी थी उस लिस्ट से ध्यान रखना है, ये जो लिस्ट देखी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोट करूँगा बट ये बार बार दिखाऊँगा नहीं, तुमको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन की। ठीक, चलो साइन ई टू द पावर एक्स, क्या तुमको साइन का डिफरेंशिएशन अलग से पता है, साइन का तो कॉस होता है। ठीक, और ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। लॉग का क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। ठीक है, ये बातों का ध्यान रखना, ठीक इनका यूज होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। अब साइन ई टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स, क्या करोगे बोलो भाई, सबसे पहले कौन है, साइन, क्या कर दिया, कॉस, ई टू द पावर एक्स को कॉपी पेस्ट कर दिया, अंदर कौन है, ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएशन किया तो क्या हुआ, ई टू पावर एक्स आंसर आ गया। ठीक, चाहो तो ई टू पावर एक्स को पहले लिख दो, कॉस ई टू पावर एक्स को बाद में लिख दो। ठीक है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ऐसा मत करना कि ई टू द पावर एक्स इस कॉस ई टू पावर एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ये ई टू पावर एक्स जो कॉस के साथ है वो कॉस के अंदर है, दूसरा वाला कॉस के बाहर है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं आगे स्पेस लिखूं यहाँ पर तो इसको तुम ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ई टू द पावर एक्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लॉग साइन ई टू द पावर एक्स, व्हाट इज द हाई आउटर मोस्ट फंक्शन, लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे देखो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई में नीचे किसको रखना है, लॉग के अंदर जो चीज़ है उसको यहाँ नीचे 1 अपॉन के नीचे डाल दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, उसके बाद किसका नंबर है, लॉग के बाद साइन का नंबर है, साइन का नंबर कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस के अंदर क्या लिखोगे, ई टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू साइन के बाद किसका नंबर है, ई टू द पावर एक्स, ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें बताओ क्या किया जाए, यहाँ पे लॉग बाहर है, चलो लॉग का क्या करें, आप लॉग के अंदर जो भी अपॉन में लिख दो, साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किस पर जाएं, अब जाते हैं साइन, लॉग के अंदर साइन पर, तो साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस के अंदर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट कॉस के, साइन के अंदर कौन है, साइन के अंदर है ई, ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, यानी ई टू द पावर और एक्स की जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ले गए। फिर इंटू क्या करना है, लास्ट में आया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में लिख दो और ये डिनोमिनेटर। नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स, बताओ ये तो सब लोगों को अब हो जाना चाहिए भाई, बताओ साइन स्क्वायर एक्स व्हाट इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, ये जरा सही से लिख लो, सबका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। साइन स्क्वायर एक्स में आउटर मोस्ट किसको सबसे पहले हिट करना है, स्क्वायर को, ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर कंफ्यूजन हो तो क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू पुट करके देखना है, एक्स की वैल्यू पुट किया, अंदर सबसे इनर मोस्ट क्या होगा, तो पहले साइन लेना है एक्स का या स्क्वायर करना है एक्स का, तो हमारे इस क्वेश्चन में तो एक्स पर साइन पहले ऑपरेट कर रहा है, तो साइन अंदर का फंक्शन है, स्क्वायर आउटर मोस्ट फंक्शन है, तो सबसे पहले स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां एक्स की जगह पे कौन है, साइन एक्स है, स्क्वायर के अंदर साइन एक्स है, तो यहां पे एक्स की जगह क्या डालोगे, साइन एक्स डालोगे।
ठीक, तो 2 इंटू साइन एक्स, फिर उसके बाद किसको देखेंगे, हमने देखो स्क्वायर को भी किया है, अभी साइन का डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अब हम स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं कि हमारे स्क्वायर के अंदर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बीच में इंटू लग गया ये, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिफरें, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो इसको साइन 2x लिख सकते हो, नहीं पढ़ा है तो तुम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहने दे सकते हो, ठीक है। लास्ट साइन एक्स स्क्वायर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट अभी इस शॉर्टकट से देखते हैं, पहले तो हमने वो लंबा वाले मेथड से किया था कि एक्स स्क्वायर को हमने यू रख दिया था, ठीक है। आप देखो अब इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हो, साइन एक्स स्क्वायर हु इज द आउटर मोस्ट फंक्शन, यहां पर एक्स स्क्वायर जो है वो अंदर का है, साइन सबसे बाहर है, तो साइन को क्या किया, डिफरेंशिएशन कॉस कर दिया, कॉस के अंदर क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, कॉपी पेस्ट एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्या हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक। चलो तो ये हम लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, सारा कुछ हो गया। अब यहां पर देखते हैं मैंने कुछ ये देखो साइन 2x का जरा बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो सबसे पहले कौन है साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर 2x है 2x रहने दिया, ठीक, लेकिन अभी क्या बचा, अभी 2x बचा हुआ है भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 2x करना है, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है, तो 2 लास्ट में 2 आ गया, तो उस 2 को मैं पहले लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है, कोशिश करो एल्जेब्रिक चीज या नंबर्स हैं वो पहले लिखो, 2 कॉस 2x हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो चुका ऑलरेडी, साइन ई टू द पावर एक्स कॉस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स एज इट इज, फिर ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ठीक है, लॉग साइन ई टू पावर एक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको, तो दिस वॉज दी कंप्लीट थिंग अबाउट चेन रूल।